Good morning everyone. I welcome you all on the TFS online class. Now today, this is our English literature class of class 6. So, this is the 6th chapter also. Now the chapter is Telesilla and the Gales of Argus. Now what is chapter name? You can understand that what we are going to talk about. We are going to talk about the Argus. And Argus, you can see here I have written, it is a city. Okay, so Argus aapki city hai. And in that, we talk about the Gates and the Telesilla. So Telesilla is a female character. As we know, ki everywhere there is a heroism. Okay? कहीं ना कहीं हीरो की बात होती है, एक्ट्रेस की बात होती है, हीरोइंस की बात होती है, बट हियर वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट द फिल्मी हीरो. हम फिल्मी हीरो की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल हीरो, द रियलिटी ऑफ हीरो इन योर लाइफ. सो हियर देयर आर टू एनिमीज, दैट इज आर्गस एंड द स्पार्टन्स. तो आर्गस इज अ सिटी, सो वहां के लोगों को वी आर जस्ट रेफरिंग एज आर्गस एंड द स्पार्टन्स आर द एनिमी ऑफ दीज टू. ओके, सो द थ्री कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. First is Telesilla. She is the poet, okay? And she sings beautiful songs and poetry. With it, in it, it includes bravery songs and courageous songs. It means ki she sings those songs which can just motivate you to do something. तो वो ऐसे सॉन्ग गाती थी. एंड आर्गस ऑफ सिटी में शी यूज्ड टू लिव. एंड उसने आर्गस ऑफ सिटी के लिए क्या किया, वी विल कम टू नो. स्पार्टन्स वाज द किंग एंड द मेन किंग वाज किलिमिनोस. सो इसी के ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन से एवरीबॉडी एवरीथिंग वाज बीइंग डन. नाउ व्हाट हैपेंड, वन डे द स्पार्टन्स एंड दिस आर्गस वर फाइटिंग टुगेदर. सो व्हेन दे वर फाइटिंग, टेलेसिला वाज सिंगिंग द सॉन्ग. शी वाज सिंगिंग सॉन्ग ऑफ ब्रेवरी एंड कॉरेजियस एंड लॉयल्टी टू जस्ट मोटिवेट देम, क्योंकि वो मोटिवेट करना चाहती थी. सो व्हेन दे वर फाइटिंग, सो सम ऑफ द मेन ऑफ आर्गस वर इंजर्ड. सो द इंजर्ड मेन ट्राई टू सेव देमसेल्व्स. सो दे हाइड देमसेल्व्स इन द स्कार ऑफ ग्रूव्स. स्कार्ड ऑफ ग्रूव्स मीन्स कि यहाँ पर जो ग्रीनरी की बात होती है, एरिया की बात करें जहाँ पे बुशेज होती है, सो दे जस्ट केप देयर, वो वहां छुप गए एंड दे वांटेड टू सेव देमसेल्व्स. नाउ व्हाट हैपेंड, द स्पार्टन्स वांटेड टू किल दैट दिस स्केपिंग पार्ट. तो वो उन जो मेन छुपे हुए थे वहां पे, उनको वो मारना चाहता था. सो ही डिसाइडेड he will kill them, but he can't enter in that scarred of groups. वो उस groups के अंदर enter नहीं कर सकता था, because it was a belief that if you enter there, so you will annoy God, you will angry God, and with that you have to suffer for it. Okay? So he did not enter in it. वो खुद नहीं गया. So he just trick them. उसने एक trick सोचा कि how he could call all the men outside and then he can kill. So he said कि your family members have given me what? Some amount of money, and if you will come out, ransom of money, and if you will come out, so you can be safe and you can go to your family members. So he tricked them. So some of the men believe on it and they came out. When they came out, so one by one he start killing them. उसने सबका नेम ले लेके बुलाया कि तुम्हारे family members ने पैसे दिए हैं and you can come out. और जब वो आने लगे तो वो एक करके सबको मारने लगा. So it was realized कि he is just tricking the people. वो दूसरों को धोखा दे रहा है. So now this Spartan decided that he will burn the groups. अब वो groups को burn कर देगा, क्योंकि he himself can't go inside. The Spartans can't go. तो उसने सारे groups को जला दिया, burn कर दिया. Okay. Now with that he just came with that faces ashes on his faces. अब सारे Spartans जो वहाँ के army थे, वो लड़ाई करने के लिए कहाँ आ गए? Argus के gate के पास. तो this story is about gate only. तो Telesilla तो वहाँ पे already है, ठीक है? Argus की तो बात ही कर रहे हैं, और gate पे अभी Spartans आ रहे हैं. तो नाउ व्हाट हैपेंड कि ऑल द स्पार्टन आर्मी वाज स्टैंडिंग देयर ऑन द गेट, वो वहां पर थे. एंड टेलेसिला वाज द मेन वुमन हु जस्ट एक्टेड एज अ हीरो. हीरो की तरह उसने एक्ट किया ही. एंड शी सेव्स एवरीबॉडी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड और बीइंग किल्ड. तो उसने कैसे सेव किया, एज शी नो कि हु इज केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड हु इज नॉट. सो जो भी वुमेन केपेबल थी फाइटिंग के लिए, शी जस्ट सेड कि यू बी विद मी, मेरे साथ रहो, और जितने वॉज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग यू कैन गो एट द टॉप ऑफ द वॉल. ठीक है, वो वॉल वहां पे थी तो आप उसके ऊपर जाके अपने आप को हाइड कर सकते हैं. यू कैन पुट पॉट ऑन योर हेड, अपने अपने हेड पे पॉट लगा लो ताकि पता ना चले कि आप वहां पे हो. एंड कीप द ब्रूम्स, मतलब झाड़ू को अपने पास रखो, सो दैट यू कैन यूज इट एज अ जेवलिन. जेवलिन मीन्स मतलब आपका भाला, भाला की तरह आप उसको झाड़ू को यूज कर सकते थे. सो दे ऑल सेव देमसेल्व्स. नाउ द रिमेनिंग वुमेन हु वर देयर केपेबल ऑफ फाइटिंग, दे स्टैंड, दे स्टूड विद Telesilla, so that they can fight with the Spartans army. Now this is a gate and there
is Spartans army, and on the another side there is the women. So in the center, Telesilla was standing, and all the women were standing in a line. So the Spartans tried to get inside the gate. They wanted to come and want to fight, but there the women were stopping her. मतलब वो वहाँ पे खड़े को उसको stop करना चाह रही थी. And Spartan king threw the spear. उसने spear मतलब भाला को अंदर gate से फेंका. जब उसने फेंका, तो he it hurt a woman. उसने एक woman को hurt किया, उसको चोट लगी and she get wounded. She screamed. उसने चिल्लाया. ठीक है, अब आपको चोट लगेगी तो you will also scream. तो उसने चिल्लाया. When she screamed, the armies heard it. उन्होंने सुना कि ये तो वुमेन की आवाज लग रही है. सो दे जस्ट सेड होल्ड हाल्ट ऑन ठीक है कि यू जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर रुक जाइए क्योंकि किसी वुमेन की मुझे आवाज लगी. सो ही डिसाइडेड व्हाट ही शुड डू. जब उसको ये रियलाइज हुआ कि सामने पे मेन नहीं, देयर आर वुमेन्स टू फाइट विद देम, सो ही सेड कि व्हाट ही शुड डू, क्या करना चाहिए. सो इन दैट केस ही वाज डिसाइडिंग कि इफ ही फाइटेड विद दीज वुमेन तो ही कैन गेट विक्ट्री. विक्ट्री तो उसे मिल जाएगी, बट दैट रिस्पेक्ट ही विल नॉट गेट. व्हाट ही शुड गेट फ्रॉम बीइंग फाइटिंग विद द मेन. सो ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टेप बैक फ्रॉम देयर एंड ही विल नॉट फाइट विद द वुमेन. एंड द वुमेन्स वर अनट्रेन्ड, द स्पार्टन्स वर ट्रेन्ड, बट वुमेन्स तो अनट्रेन्ड थे, उनको तो लड़ाई करनी भी नहीं आती थी, बट स्टिल दे वर देयर टू सेव द सिटी ऑफ आर्गस, टू सेव द मेन फ्रॉम देयर. ओके, तो स्पार्टन स्टेप बैक, वो पीछे चले गए. एंड जो आर्गस की वुमेन्स थी, दे ऑल्सो स्टेप बैक, दे ऑल्सो मूव बैक कि हम भी फाइटिंग नहीं करेंगे. एंड दिस हाउ दिस टेलेसिला सेव द सिटी ऑफ आर्गस फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द स्पार्टन्स. ओके, एंड विद दैट वहां के जो आर्गस के लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल मेक अ स्टैच्यू ऑफ टेलेसिला. वहां पे हम स्टैच्यू बनाएंगे टेलेसिला की. एंड दे ऑल्सो मेड इट एंड दे केप्ट अ बुक एट देयर फीट. उसके बुक पे, उसके फीट पे एक बुक रखी गई थी, बिकॉज शी वॉज अ पोएट, वेल नोन पोएट. तो उसके वहां पे बुक रखी थी. एंड इन इन हर हैंड देयर वाज अ हेलमेट, एक हेलमेट था, विच शोज दैट यस, बिकॉज ऑफ इट शी सेव्ड अस. ओके, और शी वाज नोन विद टू वर्ड, दैट इज द पावर ऑफ वर्ड एंड द पावर ऑफ स्वॉर्ड. उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट किया कि पावर ऑफ वर्ड से और पावर ऑफ स्वॉर्ड से टेलेसिला ने हम लोगों को बचाया. क्यों पावर ऑफ वर्ड से? क्योंकि शी वॉज नोन फॉर हिज पोएट, अपने पोएट के लिए, जितनी भी पोएम्स उसने लिखी थी, सॉन्ग के लिए जानी जाती थी, और वो करेज देती थी मैन को लड़ाई के लिए, फाइटिंग करने के लिए विद दैट विद देयर एनिमीज. ओके, एंड पावर ऑफ स्वॉर्ड मीन्स कि उसने, शी डज नॉट नो हाउ टू फाइट, कैसे अपने आप को फाइट करनी है, बचाना है, बट शी विद देयर दे वर वेरी स्ट्रांग. वो एक साथ खड़े होकर लड़ाई करना चाहते थे, दे वर सो स्ट्रांग. सो इसलिए शी वॉज known for the power of sword, कि उस sword के दम पे उसने हम लोगों को क्या किया, save किया. So with this poem we should learn कि if you not being so powerful, अगर आप इतने powerful नहीं होते हैं, तो you should apply your mind, अपना mind और अपनी intelligence हमेशा हमें use करनी चाहिए. क्यों? So that we can save ourselves. और अगर हमें लड़ाई करना नहीं भी आता, it is not always important कि you should know how to fight. But if you don't know, that you should be standing in unity. At least आपको एक साथ खड़े रहना चाहिए कि yes we can do it. What we cannot do it once, we can do it together. जो हम एक नहीं कर सकते, वो हम क्या कर सकते हैं? हम एक साथ कर सकते हैं. Okay? So I hope you enjoyed this poem and the story, and you can read it and you can understand it more. And if you have any problem, you can ask me in the live class. Thank you.